आप अगर जिस तरह से एक गठजोड़ बना के आप नगीना मेरी मदद की, अगर यही मदद आप स्टेट में करेंगे, अन्य स्टेटों में करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि बहुत काम करने वाले संघर्षशील समर्पित लोग पार्लियामेंट और असेंबली जाएंगे और आपकी ताकत बनेगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ये मैं जगह भी पढ़ूंगा, मैंने कुछ चीजें उठा के रखी थी कि काम आएगी। इसका नाम है किछोदा, अंबेडकर नगर विधानसभा टांडा, और यहां से चुनाव में मदद के लिए कुछ आया था। अगर आप देख पाए तो मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, ये देखिए, इसमें 100 का नोट है, इसमें 20 का नोट है, इसमें 10 का नोट है, इसमें 50 का भी नोट है, इसमें कुछ नोट ऐसे हैं जब उनकी हालत आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितने हाथों से निकल के आए। ये मेरी माँ बहनों के पसीने के, उनके संघर्ष के कमाए हुए पैसे हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे नोट हैं, ये गांव से इकट्ठा हुए मेरे चुनाव को, मैं अमीरों का मुकाबला करने के लिए, चंद्रशेखर अमीरों का मुकाबला, इनके हालात देखो आप, ऐसा लगता है बहुत सारे हाथों को निकले। ये मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बड़ों के पसीने से कमाया हुआ पैसा जो उन्होंने मुझे दिया इस चुनाव को लड़ने के लिए। ये देखिए, ये नोट अपने संघर्ष की दास्तां खुद कह रहे हैं कि कितने पसीने वाले हाथों से गुजर के आए। ऐसा है मेरा समाज, बड़ा स्वाभिमानी है, जब किसी का साथ देता है तो दिल निकाल देता है, जब किसी को छोड़ता है तो कितना भी काम कर ले वो निकाल। और ये जो सिक्के हैं ये इस बात का उदाहरण है, अगर आप इनको देखेंगे, इसमें 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का भी सिक्का है, ये देखिए, ये 1 रुपए का सिक्का है। इस तरह के बहुत सारे सिक्के उन्होंने भेजे, और ये मुझे बताया गया कि गाँव से मेरे लिए इकट्ठा हुए थे। और ये है कंवई अजनपुर विधानसभा, आलापुर अंबेडकर नगर, ये छोटी पोटली जो है मैंने रखी है, एक पैसे का मैंने हिसाब बनाया है, इन्होंने भेजे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की, और सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत मदद की मेरे कर्मचारी साथियों। अब आप चिंता मत करो, आपके सारे हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये देखिए, ये किसी इस गाँव से आए पैसे हैं, इसमें भी इसी तरह के पैसे हैं, और ये नोट इस बात की गवाही है कि ये धन्ना सेठों का नहीं, ये मेरे माओ बहनों के भट्टों पे, कोलू में, खेतों में मजदूरी करके कमाए हुए पैसे हैं, जो उन्होंने मुझे इस महापुरुषों की लड़ाई को लड़ने के लिए दिए। उससे बहुत लोगों ने कहा कि समाज साथवाद नहीं देता, समाज को फायदा चाहिए, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता तो समाज उसको वो देता है, उसको ताकत देता है, समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, समाज ने, क्योंकि समाज बहुत ठगा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, समाज ठगा गया तो इसलिए वो इंतजार करता है, टेस्ट करता है कि कहीं आदमी धोखेबाज तो नहीं, किसी का भेजा हुआ तो नहीं, कोई लालची आदमी तो नहीं। ये देखिए इसकी हालत देखिए, ये देखिए, शायद आपको समझ आए कि ये पैसा गरीबों के खून पसीने का पैसा है जो उन्होंने अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने बेटे को जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए भेजा था। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ, बहुजन समाज में, जिसके अंदर इतना बल है जो किसी का के हाथ फैलाने से अच्छा अपनी लड़ाई अपने पेट काट के लड़ने में ज़्यादा वो करते हैं। ये देखिए, ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इसी प्यार, इसी आशीर्वाद ने, और जो गांव से मुझे स्पेश नगीना में मेरी माओ ने, जो मेरी केतली में मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए, मैं इस ऋण को इस जन्म में तो नहीं चुका सकता। बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत तरह के प्रयास किए जाएंगे, बहुत झूठ फैलाया जाएगा, तमाम ऐसे मुसीबतें मेरे आगे डाली जाएंगी, मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं वचन देख कहता हूं, जिस दिन मुझे गोली लगी जिस दिन मैं मर गया, उस दिन मैंने अपनी सारी खुशियां
सारे व्यक्तिगत सपने उठा के रख दिए और मैंने तय किया कि अब मेरा जीवन जो है, ये जो महापुरुषों ने मुझे दिया है, ये गरीबों, किसानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, बहन बेटों के सम्मान के लिए मैं अपने जीवन का एक एक क्षण लगा दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, डांटता हूँ अपने साथियों को, लेकिन उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं टीचर जो होता है वो अपने बच्चों में, जो जिन बच्चों को पढ़ाता है, उनमें उम्मीद करता है कि उनसे बेहतर, उनकी गलतियों पर डांटता। माँ बाप भी डांटते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा उनका बुरा चाहते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बेहतर हो, उनके जीवन में कोई मुसीबतें ना आए। तो मैं सबका धन्यवाद करूँ, किसी का मेरी वजह से मन दुखा हो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं माफ़ी मांगने में। जिसका भी मेरी वजह से अपमान हुआ या जिसको मेरी वजह से जो है कोई पीड़ा हुई, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। आज नहीं, आज से पहले जब भी कभी हुए, इस चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले जिसको मेरी वजह से पीड़ा हुई, मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको वचन दे कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन आपके सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। और मैं वचन देता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में है, संविधान को छू भी नहीं पाएगा, बदलना तो बहुत दूर की है। अगर अपने खून से, खून का कतरा चुका चुका के संविधान को बचाना पड़ा, तो मैं विश्वास से दिलाता हूँ कि मैं चुकूंगा नहीं, अपने खून का कतरा कतरा चुका दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपका हूँ, भरोसा करो, मुझे लड़ने की ताकत दो मेरे बहुजन समाज के लोग। जिस तरह आपने मुझे नगीना में इज्जत दी है, एक बार मेरा साथ दे के देखो और मुझे कलम की ताकत दो, मैं आपको दिखाता हूँ कि भारतीय संविधान ने राजनीतिक शक्ति कितनी मजबूत बनाई है, उसके जरिए क्या 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 हो सकता है। मैं भावुक हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, मगर मैं विश्वास से कहता हूँ जब तक मैं हूँ, जो भी बेहतर कर सकता हूँ उसके लिए लड़ूंगा। और मैंने कभी पद प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, मैंने सिर्फ आपसे प्यार और आशीर्वाद, सहयोग इसलिए मांगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। बहुत सारे मीडिया के, बहुजन मीडिया के मेरे साथी, उन्होंने मेरी मदद की, भाई नीरज जी ने, भाई छोटे भाई विशाल ने, निरंजन ने, अंजुल ने, और भी तमाम साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबकी मदद का अभिलाषी हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की, और जिन जो हमारे नेता हैं नगीना के, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करो, थोड़ा सा समय ये काम खत्म करके फिर आता हूँ, जहाँ मैं आपको मेरी जरूरत होगी वहाँ खड़ा मिलूंगा। किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, मेरी गरीब परिवार के लोगों, मेरी माओ बहनों, हमेशा आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर, और जहाँ मुझे आवास मिलेगा वो 24 घंटे खुला रहेगा उसके दरवाजे आप सबके लिए। मुझे कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से, ना मैं बहुत सुख सुविधा चाहता हूँ, मेरे परिवार को 2 रोटी मेरी गैर मौजूदगी में मिलती रहे बस, लेकिन मैं आपको इस गरीबी बेबसी में नहीं देखना चाहता। आप ज्यादा थी जो जाति सहते देखना चाहता, आप हर बहन बेटी इज्जत रखती है उसके साथ अपमान नहीं देखना चाहता। हम भी चाहते हैं कि हमें सम्मान की जिंदगी मिले, घोड़ी पे बैठने, मूछे रखने, मटके छूने पर किसी की हत्या ना हो, किसी की बारात ना रोकी जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी पर पेशाब ना किया जाए। आपने मेरे कहे से देश भर में विपक्ष को जिताने का काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि अब इस प्यार आशीर्वाद को बना के रखिए। मैं अपने कर्मचारी साथियों से भी कहता हूँ हाथ जोड़ के, मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, आप मुझसे बैठ के चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए मेरे साथ बैठ के, कैसे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, आपका साथ महापुरुषों का सपना पूरा करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं कोई नौकरी नहीं करता, ना मैं कोई बिजनेस करता, ना मेरी कोई दुकान फैक्ट्री है, मैं बस 24 घंटे 7 दिन ये काम करता हूँ। रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग के सोचता हूँ किस तरह से महापुरुषों का सपना पूरा, और मैंने क्या नहीं सहा, व्यक्तिगत अपमान, गालियाँ, माँ को, बहन को, परिवार को, तमाम मेरे साथियों को, मेरे शुभचिंतकों को, क्या क्या नहीं सहा। लेकिन उनसे नहीं मैं डरता हूँ कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी उन सब चीज़ों, क्या असर है मेरे पास। चिकना घड़ा देखा आपने, कुछ ही फेंक दो आप उतर जाएगा उसके ऊपर से। लेकिन मेरे त्याग तपस्या को आप, मैं जो दूसरी पार्टी जोड़ो उनको भी कहना चाहता हूँ, जब आप मेरी जगह होते तो शायद आपको एहसास होता कि मैं क्यों सोचता हूँ, मैं क्यों जाता था दूसरे लोगों के यहाँ। चाहता था कि महापुरुषों का मिशन भी बचा रहे, और मैं ये भी चाहता था कि ये जो तानाशाही सरकारें हट जाएं। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं,
मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि जमीनी नेता कैसे होता, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि सच में कितनी शक्ति होती। आपने मुझे आशीर्वाद सहयोग दिया, मेरी माओ बहनों, मेरी छोटी बहनों, बच्चियों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे साथियों और दूर से दुनिया में रहने वाले मेरे साथियों, रोहित और तमाम भाई जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ खड़े होने वाले हर साथी का धन्यवाद। जब तक जीवन है आपका है, जीवन ना रहे तो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मृत्यु कटल सकते हैं, लेकिन जब तक जीवन है कोशिश करूंगा कि इसी जीवन में महापुरुषों का सपना आपके साथ मिलकर पूरा करूं। इस देश में मानवता का राज आए, इसमें देश में ये समता मूलक समाज बने। मैं आरोपों की परवाह नहीं करता, कितने आरोप आज तक भी लगाए गए, मैं आरोपों की परवाह नहीं करता, बस ये चाहता हूं कि मुझे अवसर मिले काम करने का। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और कुदरत की, प्रकृति की अनुकंपा आप सब लोगों बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। उन माओं को भी नमन जिनके बच्चों ने इस आंदोलन में बहुत सारी भागीदारियाँ दी। देश भर में बहुजन आंदोलन में अनेक अनेक संगठनों काम करने वाले लोगों ने बहुत मुसीबतें सही। 2 अप्रैल के आंदोलन मुझे याद है, और जब जब अन्याय हुआ कहीं तो भीम आर्मी के लोगों ने जिस तरह जेलें काटी, लाठियां खाई, इस तरह उन पर जुल्म हुआ, मुझे एक एक चीज याद है, मैं भूला नहीं हूं। लेकिन मैं बदले की नहीं, बदलाव के लिए लड़ रहा हूं, कि बदलाव होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत जल्द आपके बीच हूंगा, अन्य सभी स्टेटों में आऊंगा, सभी जिलों में जाऊंगा, आपके साथ बैठ के मिलकर संगठन बनाएंगे, भाजपा से ताकतवर और आरएसएस की तरह भीम आर्मी को बहुत ताकतवर करेंगे और मिलकर इस आंदोलन को, महापुरुष सपनों को पूरा करेंगे। जय भीम।